आज मैं आया हूँ झलमला के गंगा मैया पावन धाम मंदिर में आप लोगों का दर्शन कराने। यह पड़ता है जिला बालोद के अंतर्गत, छत्तीसगढ़ में स्थित है झलमला गंगा मैया पावन धाम। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यही है। आइए बाहरी कैसा दिखता है एक व्यू अपन देखते हैं। ये मंदिर के बाहर का व्यू है, आप जैसा कि देख पा रहे हैं काफ़ी सुंदर मंदिर का निर्माण किया गया है। गंगा मैया धर्म मंच भी सामने दिखाई दे रहा है, पार्किंग भी और बैठने की भी उत्तम यहाँ पर व्यवस्था है, कूड़ादान की भी व्यवस्था है। गंगा मैया पावन धाम में आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। क्योंकि दोपहर का समय है, अभी माता का पट बंद है, कुछ समय पश्चात खुलेगा। अतः भक्तों की अभी वैसी भीड़ नहीं दिखाई दे रही है और पर्व भी नहीं चल रहा है, वरना यहाँ पर भक्तों की कतार लगी रहती है। कुंवर नवरात्रि महोत्सव भी मनाया जाता है, सनातन घड़ी भी देख रहे हैं। जय भोलेनाथ। गंगा मैया दाल भात प्रसादी की भी यहाँ व्यवस्था समय समय पर रखी जाती है। भक्तगण प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब माता का पट खुले और दर्शन लाभ लें। देख रहे हैं गंगा मैया नवरात्रि महापर्व, गंगा मैया दाल भात प्रसादी सेवा शुल्क 20 रुपये केवल नवरात्रि के समय यह सेवा उपलब्ध रहती है मंदिर ट्रस्ट के द्वारा। झरना चलता है, झरना आज चल नहीं रहा है। जय भोलेनाथ। कैलाश गुफा आप देख रहे हैं भक्तगण, इस कैलाश गुफा के अंदर जाकर बाहर निकलते हुए हम भी कैलाश गुफा में चलते हैं और देखते हैं कि इस गुफा में क्या है। तो इसी प्रकार से भगवान भोलेनाथ इस गुफा में विराजमान है, कैलाश गुफा बनाया गया है। जय भोलेनाथ। और इस प्रकार से इस गुफा से इसे बाहर निकला जाता है। यज्ञशाला भी है, अभी यज्ञ नहीं हो रहा है, प्रातः और सायंकालीन होता है यज्ञशाला। मंदिर का पट खुल चुका है, 12:30 बजे हैं दोपहर के। भक्तगण अपनी बारी का प्रतीक्षा करते हुए आइए हम भी चले चलते हैं माता का दर्शन करने के लिए अंदर। जय गंगा मैया, जय माता दी। गंगा मैया पावन धाम मोबाइल चार्जिंग पॉइंट भी है यहाँ पर।
भक्तों की लाइन लगी हुई है। तो यही है बालोद जिले के अंतर्गत झलमला में स्थित गंगा मैया का प्रसिद्ध मंदिर। सप्तजनों के लिए व्हील चेयर भी उपलब्ध है और ठंडे पानी की भी व्यवस्था है। गंगा मैया पवन धाम झलमला बालोद छत्तीसगढ़ का खूबसूरत व्यू। भक्तगण पूजन सामग्री खरीदते हुए झलमला बालोद छत्तीसगढ़।